नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए आपको रूबरू करवाते हैं देश और प्रदेश की अहम खबरों से, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई, कल से खुलेंगे 11वें 12वीं के स्कूल कॉलेज। चारा घोटाला के 5वें केस में लालू प्रसाद यादव दोषी करार, 21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा। अंडरवर्ल्ड पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, दाऊद इब्राहिम की बहन के घर के समेत कई जगहों पर छापेमारी। टीका विनिर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने कहा कि विश्व की 2/3 आबादी को कंपनी के एक या अधिक टीके दिए गए हैं। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में हिजाब से संबंधित सभी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का अनुरोध किया था और सभी छात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और किसी भी धार्मिक ध्वज को कक्षा के भीतर पहनने पर रोक लगा दी थी। इसी बीच कर्नाटक में 10वीं तक के स्कूल सोमवार को फिर से खुल गए हैं। हालांकि इस दौरान उडुपी, दक्षिण कन्नड़ तथा बेंगलुरु के संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा लागू रही। इन तीन जिलों के संवेदनशील इलाकों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि उडुपी जिले में खुले सभी स्कूलों में सामान्य उपस्थिति दर्ज की गई। इस दौरान जो मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल आईं, उन्होंने कक्षा में प्रवेश करने से पहले उन्हें उतार दिया। जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सोमवार से 19 फरवरी तक जिले के सभी हाई स्कूलों के 200 मीटर के दायरे में CRPC की धारा 144 लागू कर दी है। कुछ स्कूलों का दौरा करने वाले उडुपी के तहसीलदार प्रदीप कुरुदेकर ने कहा कि मुस्लिम छात्राओं ने कक्षाओं में प्रवेश करने से पहले हिजाब हटाकर उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का पालन किया। उन्होंने कहा कि भगवा शॉल में हिंदू छात्राओं के आने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उदयपुर शहरों और स्कूलों के पास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसी के साथ लालू यादव को कोर्ट से जेल ले जाया जाएगा। 21 तारीख को ये साफ होगा कि उन्हें कितने साल की सजा हुई है। आगे की कार्रवाई उनके वकील करेंगे, फिलहाल अभी तो उन्हें जेल जाना होगा। रांची की बिरसा मुंडा जेल में लालू को ले जाया जाएगा। 1996 में इस मामले में सबसे पहले केस दर्ज हुआ था। 4 केस में लालू को पहले ही सजा हो चुकी है। 1990 से 1992 के बीच 169.35 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। इसमें कई सरकारी गवाह भी हैं। 24 अभियुक्त वरी किए गए हैं। CBI की अदालत ने लालू समेत मामले से जुड़े 99 अभियुक्तों सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। अभियुक्तों में 10 महिलाएं भी शामिल हैं। दोरंदा कोषागार से हुए अवैध निकासी के मामले में शुरू में कुल 170 आरोपित थे, इनमें 95 आरोपियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल ट्रायल में 99 लोग शामिल हैं, इनमें से 24 को वरी कर दिया गया है। साक्ष्य व गवाह के अभाव में इन्हें वरी करार दिया गया है। वरी लोगों में दीनानाथ सहाय, एनुल हक, राजेंद्र पांडे, साकेत शामिल हैं। लालू प्रसाद के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, तत्कालीन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन सचिव बैक जूलियस और पशुपालन सहायक निदेशक डॉक्टर के एम प्रसाद मुख्य आरोपी हैं। 950 करोड़ रुपए का यह घोटाला अविभाजित विभाग के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी कर सरकारी खजाने से सार्वजनिक धन की निकासी से संबंधित है। राजद सुप्रीमो को चारा घोटाला मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है और कुल 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मुंबई के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों के घर और दफ्तरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और उसके पीछे पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच कर रही है। फिलहाल ईडी की तरफ से किसी नाम की प्रस्टी नहीं की गई है। दाऊद इब्राहिम के हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर NIA ने 15 दिन पहले मामला दर्ज किया था। इस मामले में प्रॉपर्टी डील, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजेक्शन को लेकर इनपुट शेयर किए गए थे, जिसके बाद आज तड़के सुबह 4 बजे से ईडी का सर्च ऑपरेशन डी कंपनी से जुड़े लोगों पर किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही किसी को हिरासत में लिया है। ईडी अधिकारी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पाराकर के घर पर भी पहुंचे और यहां उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। महाराष्ट्र की राजधानी में लगभग 10 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है।
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण कानून के अंतर्गत की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि एक नेता से जुड़े कुछ परिसरों पर भी छापा मारा गया है। उन्होंने कहा कि ईडी को प्राप्त कुछ खुफिया जानकारी और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ टीका विनिर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने सोमवार को कहा कि दुनिया के गरीब देश कंपनी के बनाए टीकों का उपयोग कर रहे हैं। इसका कारण टीके की खुराक का सस्ता होना है और इसे एक कप चाय की कीमत पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पूनावाला ने उद्योग मंडल महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित पुणे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन में यह बात कही। कार्यक्रम में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार पाने के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि विश्व की 2/3 आबादी को कंपनी के एक या अधिक टीके दिए गए हैं। पूनावाला ने कहा, हमारे अधिकतर टीकों का उपयोग गरीब देश कर रहे हैं। यूनिसेफ और अन्य परामर्श संगठन टीका खरीदने को आगे आए हैं। हमने अपने कर्मचारियों और वैज्ञानिकों की मदद से इसे सस्ता बनाया है और एक कप चाय की कीमत के बराबर किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1.5 करोड़ से अधिक किशोरों तक कोविड-19 के विरुद्ध पूर्व टीकाकरण हो गया है। मांडविया ने ट्वीट किया, युवा भारत पूरे जोश से इस महामारी का मुकाबला कर रहा है। 15 से 18 साल तक के आयु वर्ग के 1.5 करोड़ से अधिक किशोरों का अब पूर्व टीकाकरण हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस आयु वर्ग के 70% से अधिक लाभार्थियों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक लग गई है। भारतीय महापंजीयक के अनुसार 2021 से 2022 में 15 से 18 साल तक के आयु वर्ग के लाभार्थियों की अनुमानित आबादी 7.4 करोड़ है। देश भर में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण शुरू हुआ था।